अब हमारे लगभग 3 महीने तक कुछ भी बिजनेस नहीं रहेगा, क्योंकि सब जितने भी हिल स्टेशन पे जाएंगे लोग, क्योंकि यहाँ बहुत गर्मी होती है, ऑलमोस्ट लाइक 45 चला जाएगा, तो ऑलमोस्ट 3 मंथ हमको वेट करना पड़ेगा बिजनेस के लिए। कोरोना काल के बाद गर्मी में पर्यटकों की आवक में भारी कमी से पर्यटन व्यवसाय प्रभावित। पुष्कर के बाजार, होटल, रेस्टोरेंट और घाट हुए सूने, हर जगह पसरा है सन्नाटा। सालों देशी विदेशी पर्यटकों से आबाद रहने वाला कस्बा इन दिनों देशी विदेशी पर्यटकों के इंतजार में है। तेज गर्मी और ऑफ सीजन के चलते पर्यटकों और श्रद्धालुओं ने पुष्कर से दूरी बना ली है, जिसके चलते कस्बे के छोटे बड़े 5,000 होटल रेस्टोरेंट खाली नजर आ रहे हैं। वहीं दूसरी ओर जगत पिता ब्रह्मा मंदिर के बाहर भी श्रद्धालु नजर आते हैं। कस्बे के बाजार और सरोवर के घाट सूने पड़े हैं। पर्यटन व्यवसाय से जुड़े लोगों ने बताया कि कोरोना काल के दौरान पुष्कर का पर्यटन व्यवसाय खासा प्रभावित रहा। होली फेस्टिवल के दौरान एक हफ्ते तक पर्यटकों की भारी आमद हुई थी, इसके बाद से ही कस्बे के होटल और रेस्टोरेंट खाली पड़े हैं। अमूमन गर्मी के दिनों में विदेशी पर्यटक पहाड़ी इलाकों में चले जाते हैं, जिस कारण मई जून जुलाई के महीने में विदेशी पर्यटक पुष्कर में नहीं दिखाई देते। गर्मी के महीने में देश भर से कई पर्यटक पुष्कर पहुंचते हैं, पर इस बार देशी पर्यटक भी पुष्कर में नहीं आए हैं, जिसके चलते पर्यटन व्यवसाय से जुड़े व्यापारियों में मायूसी नजर आ रही है। उम्मीद लगाई जा रही है कि अगस्त महीने के बाद एक बार फिर देशी विदेशी पर्यटक पुष्कर का रुख करेंगे। होटल व्यवसायी से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार 2019 के बाद से ही विदेशियों की आवक में गिरावट दर्ज की गई। 2019 और 2020 में कोरोना के चलते होली फेस्टिवल और पुष्कर पशु और धार्मिक मेले के आयोजन पर पाबंदियां आमद थी, तो वहीं दूसरी ओर अंतर्राष्ट्रीय हवाई उड़ानों को भारत आने की अनुमति भी नहीं थी, जिसके चलते पर्यटन व्यवसाय को दोहरी आर्थिक मार झेलनी पड़ी। फिलहाल एक ओर जहां होटल बुकिंग में 70% की गिरावट दर्ज की गई, वहीं देश के महानगरों में रहने वाले कामकाजी नौजवान अपना सप्ताहांत पुष्कर में बिताने आ रहे हैं। ऐसे में आर्थिक तंगी की मार झेल रहे पर्यटन व्यवसाय को थोड़ा संबल जरूर मिलने लगा है, पर वास्तविकता में हालात और भी गंभीर हैं। होटल रेस्टोरेंट में पर्यटकों की कमी के कारण बिजली और पानी के बिल भरने में भी दिक्कतें आ रही है। हाल तो यह है कि ठेके पर प्रतिष्ठान लेकर चलाने वाले लोग अब कर्जा और उधारी लेने को मजबूर हो गए हैं। ऐसे में अब पर्यटन व्यवसायी सरकार से मदद की उम्मीद लगा रहे हैं। दिनों में हमेशा ऐसे खाली हो जाता है, लेकिन अंतर ऐसा है काफी समय से पुष्कर खाली ही चल रहा था लॉकडाउन के कारण से। होली के समय में बहुत अच्छा बिजनेस हुआ था, एक हफ्ते के अंदर काफी गेस्ट आए थे, काफी फॉरेनर्स भी आए थे, लेकिन गर्मी की वजह से सब फॉरेनर नॉर्थ पहाड़ों में चले गए ठंडक में, और पुष्कर पूरा खाली हो चुका है। और हमारे को आशा है कि अब सितंबर से वापस से जब फॉरेनर टूरिस्ट आएंगे, पुष्कर की पूरी रौनक वापस से हमेशा की जैसे बरकरार हो जाएगा। होली भी बहुत अच्छा बिजनेस था हमारा, लेकिन अब जैसे आप देख रहे हैं कि काफी गर्मी हो गई है, तो काफी क्लाइंट कम हो गए, सब हिमाचल की तरफ चले गए। अब हमारे लगभग 3 महीने तक कुछ भी बिजनेस नहीं रहेगा, क्योंकि सब जितने भी हिल स्टेशन पे जाएंगे लोग, क्योंकि यहाँ बहुत गर्मी होती है, ऑलमोस्ट लाइक 45 चला जाएगा, तो ऑलमोस्ट 3 मंथ हमको वेट करना पड़ेगा बिजनेस के लिए। लेकिन उस दरमियान हम हमारा मेंटेनेंस जो होता है वो मैनेज कराएंगे सब होटल वाले।